Hey guys, what's up? बैक टू to another vlog. और सुबह का टाइम हो चुका है बज गए 11 गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू और हम लोग सब एकदम बढ़िया मस्त नहा वहा के सेट और आज तो मौसम बहुत प्यारा हो रहा है और आज कहीं चलने का मन तो है पर कहाँ चले समझ में नहीं आ रहा देखते हैं मम्मी का एक ऑर्डर आ चुका है थर्मामीटर मंगाया था तो डिलीवर बॉय आ गया देने के लिए वो तो खड़ा से ले लेते हैं मैं ब्लॉक बना बेचारे को बाहर खड़ा हुआ लेट नहीं करते हैं पहले थर्मामीटर ले, ले लेते हैं फिर मिलते हैं आपको हमने थर्मामीटर ले लिया है दिखाता हूँ आपको ये चक्कर है ये रहा थर्मामीटर थर्मामीटर कहाँ चला गया अरे ये रहा निकाल दिया था ना ये चक्कर है ये थर्मामीटर मंगाया उन्होंने ये आई थिंक टू एट्टी रुपीज का है और बढ़िया थर्मामीटर है उमरान कंपनी से बढ़िया है इसी का मैंने वही मंगाई थी बीबी मशीन वही बढ़िया है और ये थर्मामीटर मंगाया ये अच्छा है क्योंकि इसका जो ब्रांड अच्छा ही है ये तो जब भी आपको प्रोडक्ट मंगाया तो हमेशा ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगाइए बेटर है मैं प्रमोशन नहीं कर रहा यार बट अच्छी चीज बता रहा हूँ भी है और जेनुअन है ओरिजिनल आज सबसे पहले को ही खाना खिला दिया किसी ने नहीं खाया पहले आपने खा लिया खा पी मस्त एकदम बैठा हुआ है हम लोग चलते हैं अंदर अपने खाने की तैयारी करते हैं हमसे पहले इधर मम्मी जी ने स्टार्ट कर दिया थोड़ा मिट्टर एक चीज बढ़िया हो गया अब कभी कुछ फीवर कुछ भी टेंशन हुआ अपना खुद ही चेक कर लो डॉक्टर पास तो जाएंगे अब देखा जाएगा mm. फिलहाल अपने पास चीज है तो फिर उसका अच्छे से यूज करा जाएगा इज़ फ़ूड रेडी। खा लेते हैं मजा set, आ गया ना खाना देख के ऑल सेट खाना डन आ गए हैं बाहर समय क्यूट डार्क डैश कॉल्ड नेम इज एली छोटा बच्चा एले हुँ. और गायस मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाने वाला हूँ कि आपको बहुत मजा आ गया एक थोड़ी डिफरेंट चीज़ है अभी थोड़ा सा उसका सेटअप कर रहा हूँ तो अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ अभी मैं थोड़ी तैयारी कर रहा हूँ उसकी टेबल वेबल लगा के थोड़ा सा उसका एंगल पीछे का बैकग्राउंड क्या है सब चेक कर रहा हूँ और बट बहुत अलग सी चीज है आज थोड़ा मैं डिफरेंट सोचा कि आपको एक अपनी अलग चीज दिखाता हूँ कुछ मेरा कलेक्शन है और वो कलेक्शन मेरा आई थिंक बहुत पुराना है अभी एकदम ज्यादा हर अच्छी बताऊंगा अभी सीधा आपको मैं मिलता हूँ अपने सेटअप पर पूरी बात आराम से करता हूँ चलिए चलिए मेरे सेटअप पर तो हो तो फाइनली आप लोग आ चुके हैं मेरे नए सेटअप पे और ये है कुछ मेरा नया सेटअप जो कि मैंने कुछ आज डिफरेंट ट्राई किया है और आज मैं आपको स्पेशल दिखाने वाला हूँ जैसा कि और आप लोग बहुत अच्छा लगेगा तो शुरुआत करते हैं दिखाते हैं क्या मेरे पास एक कहते हैं एडवेंचरस चीज है जो बहुत पुरानी है आई थिंक टू के टाइम पे आती थी, थी अब तो आ, आती भी नहीं है ना मिलेगी आपको आइए दिखाता हूँ फटाफट दिखाता हूँ मुझे मेरी ये पोटली का खजाना जो कि आपने काफी कम लोगों ने देखा होगा

तो मुझे बहुत ख़राब लगा लेकिन तो क्या करें पापड़ में छोटे थे कुछ बोले भी नहीं और बड़ा दुख है तो किस्मत से मैंने थोड़े ये बचा लिए थे ताकि ये वो देख ना पाए छुपा के रख देते लेकिन फाइनली इनको मैं बचा के रखा रहा तो आज वो काम आ रहा है आज मुझे मौका मिला आप लोग को दिखाने का कि कितनी पुरानी चीज़ है आपको ये आज के टाइम बिल्कुल मिलेगी नहीं है आपको दिखाता तो हूँ फटाफट बना के कैसे बनता है जैसे कि आप इसको निकाला ये निकाला इसको आप ऐसे करेंगे अरे यार हो जा हो जा ये ये आपने ऐसे बनाया और अरे भाई और ये काज इज द ये इसको चलाएंगे ये सिंपल आ ये ड्रैगन आपने देखा होगा इसका नेम था ड्रैगन बूस्टर आज कोई याद हो ये आता था डिज्नी टून्स पे बहुत फेमस कार्टून है ये भी उसका ड्रैगन बहुत तगड़ा बनता है मैं पूरा बना के दिखाता हूं रेडी इतनी मेहनत मशक्कत के बाद इसको मैंने बना लिया फाइनली बताइए कैसा लग रहा है आप लोग को ये चेक करें योर ड्रैगन इज रेडी टाइम टू अटैक नाउ हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्राइव पे दिखाते हैं आपको जो कि सबसे इंटरेस्टिंग चीज है जिसका हर कोई फैन है हर कोई दीवाना है दिखाता हूँ क्या ब्लेड ये चेक करें लॉन्चर ब्लेड्स अदर ब्लेड्स एंड ये एक्साइटमेंट कुछ ज्यादा ही हो गया गिरा दिया ये चेक करें इतने सारे ब्लेड्स है मेरे पास टू शूटर है थ्री लॉन्चर एक हैंडल चेक गाइस, जमीन में गिरने में तो तकड़ा चल रहा है Here. Oh, oh, wow. क्या मस्त इसने अटैक किया यार अब बारी है मेरे वन एंड ओनली फेवरेट की जिसका नाम है ड्रैगन चलिए शुरू करते हैं हो जाए शुरू। ड्रैगून ये गिर नहीं ना सारे ब्लेड गिर गए ये मेरा फेवरेट भी था इसने मेरी इज्जत दिख रही भाई गिरना नहीं गिरना नहीं गिरना नहीं तुम्हें तो इसी भी एक स्टोरी है की मुझे मैं बहुत परेशान और जित किया कि मुझे कुछ गिफ्ट दो गिफ्ट तो बर्थडे पे छोटे थे रोते है की यार कुछ बढ़िया दो बढ़िया दो तो वापस में बहुत जिद किया ब्लेड दे के आया तो शॉप पे रखे हुए थे तो फाइनली बहुत जीत करने पर पापा ने आखिरकार दिलाई दिया तो तब से मेरे फेवरेट ब्लेड हैं सारे इनके लॉन्चर्स हैं ये हैंडल है जैसा कि आप देख रहे हैं सो so फाइनली मैं आपको हूं, की सबसे नॉच टीम जिसका नाम था ब्लेड ब्रेकर्स आइए दिखाता वो टीम कौन है ये चेक करे गाइज ये है मैक्स इसके बगल में हमारा आता है केनी इसके बगल में हमारा टाइसन टाइसन के बगल में हमारा है रे लास्ट इज खो अब बारी बारी एक एक करके दिखाता हूँ कि किसके पास कौन सा बिग बीस था और उसकी स्पेशलिटी थी स्टार्ट करते हैं विद इज टाइसन हेज द टाइसन और इसका जो बिग बीस्ट है जानते होंगे जो वर्ल्ड का सबसे पावरफुल बिग बीस था इसका नाम था ड्रेगून जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये है मैक्स ये एकदम स्मार्ट लौंडा है एकदम मजेदार लौंडा इसका बिग बेस्ट है ड्रसिल ये सिर्फ डिफेंस करता है अटैक नहीं कर पाता लेकिन डिफेंस बहुत अच्छा है उसको जो भी अटैक करता है उसको अच्छे से डिफेंड कर लेता है तो ये इसकी स्पेशलिटी है द सील रे ये बेचारा बहुत हार्ड वर्कर बंदा है जैसा कि आप देख रहे हैं एक छोटे गांव से आया था मेहनत करके शहर में इसने भी चैंपियनशिप जीती बहुत उसका बिग बीस्ट है ड्रिगर ड्रिगर की एक खासियत है कि वो अगर आप उसको अच्छे से नहीं रखोगे तो आपको छोड़ो चला जाएगा वो मालिक भरोसा जब तक करता है जब तक मालिक उसका अच्छे से साथ देता है वरना वो छोड़ देता है नेक्स्ट बारी है सबसे डेंजर सबसे खतरनाक जिसका तो अलग ही माइंड सेट है जिसका नाम है काय जो कि अपनी एक अलग ही दुनिया में रहता है और उसका जो बिग बीस्ट है ड्रॉन्जर जो एकदम फ्लेम को रिप्रेजेंट करता है एकदम फायर है प्यारी कैनी जो कि रे सॉरी टाइसन की फ्रेंड है जो कि सबको हेल्प करती है पूरी टीम को सबको बेबलेट बना बना के देती है अपडेट करती है हर चीज दिखाती है ये सारे थे टाइसन केनी मैक्स रे काय इस, इस टीम का नाम है ब्लेड ब्रेकर्स जो कि आपने बेबलेट्स पे देखा होगा कि ये सबसे टॉप नोस्ट टीम थी इस पूरी सीरीज की तो इसको मैं यही एंड करता हूं बताइए आपको कैसा लगा बेबलेट का पूरा एडवेंचर जो मैं आपको पूरा बताया आपको अच्छा लगा होगा आपको भी फील हुआ होगा यार ये तो सही मैंने देखा है सुना है सब पुराना टाइम आप लोगों ने देखा ही होगा जरूर से जरूर तो ये पूरा वैसा था तो भी आपको भी इसका एंड करता हूं। और आपको नेक्स्ट चीज दिखाता हूं। जो कि है द नहीं बचे हैं यार मैं इनको मेरे पास बस कुछ इतने ही बचे हैं मैंने यार काफी सारे वो किए थे बट पापा ने यार सब जला दिए तो बस ये इतने ही कुछ बच पाए मेरे पास वो भी मेरे बहुत अच्छा कलेक्शन था कम से मेरे पास जी पचास साठ होंगे मैं आपको दिखाता आप कहते कि यार क्या मस्त है यार और ये पता किसमें आती है आपने कभी चीटोस खाया है जैसे कुर्कुरी की तरह होता है कुर्कुरा तो लंबा होता है गोल गोल बॉल्स की तरह होता है नटका टूटा है नटका का समझ लीजिए एकदम एडवांस वर्जन थोड़ा स्पाइसी थोड़ा सा स्वीटी बहुत मस्त होता है खाने में तो चीटोज आपने खाया होगा तो पक्का कोई याद होगा सर नाइन्टीज के बच्चे को खाया होगा उन लोगों को तो याद होगा बाकी मुझे आज का पता नहीं आज तो मिलते ही नहीं इंडिया में यार आने बंद हो गए हैं एक बार मैं मॉल गया तो मैं मॉल में रखे हुए थे मैंने पता किया तो उसे लाख खरीद लेता हूँ आपको पता प्राइस क्या था सेवन आप यकीन नहीं सात सौ रुपए का एक पैकेट कहा लोग दस रुपए में खाते थे क्यों क्योंकि हालत टाइट हो गई कि ये कैसी बात है भाई इतना कोई बात नहीं। तो, तो जैसा कि आपको मैं दिखा पा रहा हूँ आप इसको मार्केट में ढूंढने जाएंगे नहीं मिलेंगे ये ओनली ओनली ऑन चिटोज में मिलते थे जैसे कि सारे अभी देख पा रहे हैं सब चिटोज के ऑप्शन लास्ट पीचू अ पिकाचू इट्स पीचू जो पिकाचू के भी ऊपर होता है तो मेरे पास पिकाचू नहीं था पीचू था तो पी, पीचू से बना पिकाचू पिकाचू से बना रायचू तो मेरे पास यार खाली पीचू बचा रहा है ना पिकाचू ना रायचू है तो इससे स्टार्टिंग हुई समझिए पॉकीमोन की ये ना होता तो पॉकीमोन ना होता ना पॉकीमोन की कोई सीरीज बनती ना एश ना कुछ तो इसकी वजह से सुनिए पूरा पॉकीमोन स्टार्ट हुआ है जैसे कि आप देख पा रहे हैं और आपने पॉकीमॉन देखा जरूर होगा आप लोग बताइए कैसे लगा आप लोग पॉकीमोन अच्छा लगता होगा मेरा तो भाई फेवरेट कार्टून था पॉकीमॉन सच्ची बता रहा हूँ फर्स्ट मेरा था पॉकीमॉन सेकंड था मेरा बेब्रेड बाकी सब तो ठीक ठाक था मजा आता था, था, था पॉकीमॉन देखने में जो मतलब उनके इतने सारे वो सारे गेमिंग फाइटिंग और उनके इतनी एडवेंचर सारे जाते थे साथ में वो लोग ब्रॉक मिस्टी और सब साथ में एकदम बड़ा अच्छा सा माहौल बनता था आपको इतने पुराना वाला दिन याद आए होंगे टू थाउजेंड वाले की यार मुझे वो इतनी याद दिला दी जबकि सब कुछ था नहीं मतलब सारा जैसे कि आप देखिए मेरे आगे पीछे सब पड़ा हुआ देख रहे होंगे आप और ये मेरा कुछ कलेक्शन है और ये मेरा चाइल्डहुड कलेक्शन है यार बचपन में बहुत होती। आप लोग सब फेंक देते हैं भूल जाते हैं बट यार मेरे अंदर ये चीज़ थी मैं सबको रखता था भाई मैंने जितना कलेक्शन घो पाया रखा एक्चुअली मेरा घर काफ़ी बार चेंज हुआ ना तो उससे काफी थोड़े उधर उधर हो गए वरना मैं बहुत सी चीजें और भी थी आपको दिखाता बट अभी के लिए यार गाय जितना ही मेरे पास है मैं आपको इतना दिखा पा रहा हूँ उस लुक बताई कैसा लग रहा है तो गाइज तो फिर इस वीडियो को आज मैं यही एंड करता हूँ और बताइएगा आपको मेरा सेटअप कैसा लगा आज मैंने कुछ नया ट्राई किया और काफी अच्छा लगा होगा इन सबको हटाता हूँ करता हूँ टाटा बाय बाय आता हूँ अपने पुराने वापस से लुक में क्या चश्मा मैंने रंगाजी के मारा फेंका चश्मा ही टूट गया खर्चा हो गया अब हो गया तो कोई बात नहीं दोबारा फेंकते हैं चलते हैं बाय बाय तो ठीक है गाइज इस ब्लॉग को आज मैं यही एंड करता हूँ आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो अच्छा लगा तो वीडियो करिएगा लाइक चैनल करिएगा सब्सक्राइब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाय